नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए, आज मैं बात करने जा रहा हूं कुछ ऐसे चार स्टॉक पे जिसमें फिर से एक बार तेज़ी बन रही है और पिछले कुछ सालों में इन्होंने बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। और फिर से थोड़ा सा स्लो होने के बाद ये स्टॉक में फिर से इतनी भारी तेज़ी बन रही है, तो क्या करना चाहिए? इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी जानकारी आपको दूंगा कि आपको बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और जितना से ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहले नंबर पे स्टॉक है उसका नाम है IIFL सिक्योरिटी, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन ये स्टॉक है। और इसने एक साल में, मात्र एक साल में, इसने 232% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। कितना? 232%, मतलब आपका 3 गुना से ज़्यादा पैसा कर दिया है इस स्टॉक ने। भारी तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर हम 3 साल की देखें तो 3 साल में उतना ज़्यादा कुछ खास रिटर्न नहीं है, लेकिन एक साल में इस स्टॉक ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। और अगर हम इसकी 52 वीक हाई की बात करें तो जो 52 वीक हाई है वो यहाँ पे देखिए 239 रुपये की है, और 52 वीक जो लो है 60.30 रुपये। और अगर हम यहाँ पे स्टॉक की सेक्टर की जो पी है, उस सेक्टर की पी की बात करें तो 10.13 का सेक्टर पी है, और इसका जो स्टॉक का जो पी है वो 12.68 का स्टॉक का पी है। देखिए, ये डिविडेंड बहुत शानदार दे रहा है। डिविडेंड यील्ड जो है 1.42% का डिविडेंड यील्ड है, जो कि बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई जिसको हम बोलते हैं, ये है 18.53%, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। देखिए, ये अभी बहुत छोटी सी कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 6,267 करोड़ का मार्केट कैप है इस स्टॉक का। अभी जो इसकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो है 203.50 रुपये। अगर हम यहाँ पे देखें तो आज लगभग ये 4% से ज़्यादा तेज़ी पे यहाँ पे ये ग्रो कर रही है। लगभग 8.45 रुपये तेज है, और यहाँ पे 4.15% की तेज़ी इस स्टॉक को देखने को मिल रही है। देखिए, अभी ये जो आज का इसका लो है वो 198.65 का है, और आज का जो हाई है वो यहाँ पे 213.35 रुपये हैं। अपर सर्किट जो इसका है 244.05 रुपये, जो लोअर सर्किट है 162.75 का है। देखिए, एक और बेहतरीन कंपनी जिसका नाम है जेनटेक, जो कि आईटी सॉफ्टवेयर में ये काम करती है, रोबोट बनाने और भी बहुत सारे डिफेंस बनाने वाली चीज़ें ये काम करती है। ठीक है, इसने एक साल में, मात्र एक साल में इसने 208% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। कितना? 208% का। और अभी आप देख पा रहे होंगे, और इसने लगभग पिछले तीन साल में इस कंपनी ने लगभग 1209% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और 5 साल में इस कंपनी ने लगभग 1668% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और अगर हम यहाँ पे स्टॉक की पी की बात कर लें तो जो सेक्टर की पी है वो 22.61 की है, और स्टॉक की जो पी है 85.04 की है, और डिविडेंड यील्ड बहुत ही कम है 0.02%। आरओई जिसको हम रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं, ये है 13.52%। और अगर हम इसकी 52 वीक लो की बात करें तो 411 रुपये का 52 वीक लो है, और 1317 रुपये का 52 वीक हाई है। बहुत ही शानदार। अगर हम इसकी मार्केट कैप की बात करें
तो 10,925 करोड़ का मार्केट कैप है और ये स्मॉल कैप है, तो बहुत ही शानदार स्टॉक है जो कि अभी भारी तेजी में चल रहा है। जो इसका बाउंड बिक हाई आप देख सकते हैं 1317 रुपये का है और अभी जो आपको ये मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको 1299 रुपये के आसपास, तो ये बहुत ही शानदार है। चलिए हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं। देखिए जो दूसरी कंपनी है उस कंपनी का नाम है एरिडा, आप यहाँ पे देख सकते हैं एरिडा है जो कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जिसको हम बोलते हैं एरिडा। और यहाँ पे आप बोलोगे अरे यार यहाँ पे तो इसका रिटर्न नहीं दिख रहा है, तो आप कैसे बोल रहे हो कि बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए है इसने। देखिए ये अभी हाल फिलहाल में लिस्टिंग हुई है 2024 में ही, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नवंबर 2023 में ये लिस्टिंग हुई, और ये लिस्टिंग हुई लगभग 60 रुपये के आसपास। ठीक है, जो लिस्टिंग प्राइस है वो लगभग 60 रुपये के आसपास है, और अभी एक साल भी इसको पूरा नहीं हुआ और यहाँ पे देखिए 205.35 रुपये का अभी प्राइस है, और जो हाई है 214 रुपये का है। तो आपको एक तो अच्छे लेवल पे भी मिल रहा है, मतलब बहुत ही शानदार, और रिटर्न भी बहुत ही शानदार दिया है, लगभग चार गुना मतलब 400% का रिटर्न ये कंपनी अभी तक दे चुकी है 60 रुपये के हिसाब से। ठीक है ना, और अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूँ कि ये इसका जो सेक्टर का जो पी है 14.41 का, और यहाँ पे आपको जो स्टॉक का पी है 42.06 का, जो इसकी आरओई है वो है 14.63 का, और जो 52 बिग लो है वो 50 रुपये का है, 52 बिग हाई 214 रुपये की। तो आप समझ सकते हैं 52 बिग लो और 52 बिग हाई से अगर हम जोड़ें तो ये लगभग 400% का रिटर्न ये दे चुकी है कंपनी। ठीक है, जो मार्केट कैप है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, 55,220 करोड़ का मार्केट कैप है और ये मिड कैप स्टॉक है। तो ये बहुत ही अपने आप में एक शानदार स्टॉक है, इसके ऊपर भी आप ज़रूर देखें। देखिए जो हमारे लिस्ट नेक्स्ट जो स्टॉक है उसका नाम है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड करके ये कंपनी है, और बहुत ही शानदार इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में ये स्टॉक ने लगभग 187% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। कितना? 187% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने, और पिछले तीन साल में इस स्टॉक ने 177% का रिटर्न दिया है, और पिछले पाँच साल में ये स्टॉक ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है, लगभग 2568% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। देखिए अगर हम इसकी 52 बिग लो की बात करें तो 3953 रुपये, और 52 बिग जो हाई है वो है 12543 रुपये। ठीक है ना, और तब से ये स्टॉक का जो अभी प्राइस है 12517.40। और अगर हम यहाँ पे बात करें जो सेक्टर की पी है, सेक्टर की पी है 10.2 और स्टॉक की जो पी है वो 202.44। डिविडेंड यील्ड उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है 0.02%, और आरओई जिसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी ये है 19.89% की। तो बहुत ही बेहतरीन है, और मिड कैप ये स्टॉक है, स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो 74,447 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत ही बेहतरीन। और अगर हम बात करें ये जो चारों स्टॉक है, देखिए पहला जो स्टॉक है IIFL सिक्योरिटी, दूसरा है जेनटेक, तीसरा है एरिडा, चौथा है डिक्सॉन, तो ये चारों के चारों मल्टी बैगर स्टॉक हैं, बेहतरीन स्टॉक हैं। आप इन चारों में अगर आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है तो आप होल्ड करिए लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करिए,
और आप इसको बेचिए नहीं। दूसरी बात, अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो आप फ्रेश बाइंग कर लीजिए, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, ठीक है ना। स्टॉप लॉस लगाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप इन चारों में से किसी भी स्टॉक को चुनिए, या तो आपके पास अगर 50,000 रुपये हैं तो आप डिवाइड कर करके हर एक स्टॉक में बाइंग कर लीजिए, या आपको जिस तरीके से जैसा लगे आप बाइंग कर लीजिए। चारों के चारों मल्टी बैगर स्टॉक हैं और चारों के चारों एक बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। धन्यवाद।